हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे हैलोवीन के बारे में। तो दोस्तों, हालांकि यहाँ पर इंडिया में ज़्यादा कोई हैलोवीन मनाता नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में, यूएसए में, ब्रिटेन में ये बहुत कल्चर है, वहाँ पर हैलोवीन बहुत मनाया जाता है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर ये हैलोवीन आया कहाँ से, इसकी क्या स्टोरी है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जिसका नाम है सही जवाब। नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसका जो ओरिजिन है, हैलोवीन का जो ओरिजिन है, वो सेल्टिक लोगों के एक फेस्टिवल में आता है, जिसका नाम है सेमहैन। और ये जो सेमहैन था, वो 1 नवंबर को मनाया जाता था उस दौर के हिसाब से। और ऐसा माना जाता था कि सेमहैन के दिन जो लोग मरे हैं, उनके सोल्स यानी कि उनकी आत्मा पृथ्वी के ऊपर वापस आ जाती है। तो कहीं ना कहीं उस आत्मा को भगाने के लिए, उसको डराने के लिए ऐसे तरीके के कपड़े पहनने जाते थे, जैसे कि कोई चुड़ैल बन गई तो कोई राक्षस बन गया, कोई भूत बन गया, तो इस तरीके के ऊट पटांग कपड़े पहने जाते थे, जिससे कि उनको ये बिलीव था कि वो जो आत्माएं यहाँ पे आई हैं, वो हमें ज्यादा परेशान नहीं करेगी। लेकिन इसके पीछे सिर्फ यही एक कहानी है, ऐसा नहीं, और कई कहानियां हैं जिसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर। तो दोस्तों, ये लोग सेमहैन क्यों मनाते थे? तो उनका ऐसा मानना था कि सेमहैन वो दिन है जिसके बाद से ये मार्क होता है कि गर्मियों के या फसल कटाई के दिन अब खत्म हो चुके हैं, और एक बहुत कड़क यानी कि बहुत ही कठिन समय आने वाला है जाड़ों का, जहाँ की उस जमाने में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। इसलिए इस सीजन को द डार्क विंटर या डेथ सीजन के नाम से वो जानते थे, क्योंकि तब के जमाने में वो लोग इतनी सर्दी में सरवाइव नहीं कर पाते थे, बहुत से लोग मर जाते थे। तो उस सीजन को ही एज अ डेथ सीजन के साथ उन्होंने एसोसिएट कर दिया था। तो ये एक वजह थी कि वो सेमहैन मनाते थे। और उनका ऐसा मानना था कि न्यू ईयर के एक रात पहले जो कि मरे हुए लोग हैं, उनकी आत्माएं पृथ्वी के ऊपर आती हैं, और जो जिंदा लोगों की दुनिया है और जो मरे हुए लोगों की दुनिया है, इनके बीच का फासला जो है वो बिल्कुल धुंधला सा जाता है। तो उनको ये लगता था कि ये आत्माएं आती है, हमारे लिए कुछ नुकसान जरूर पहुंचाती है, लेकिन ये बिल्कुल सही समय है हमारे प्रीस्ट के लिए या हमारे धर्मगुरुओं के लिए ये बताने का कि आने वाला जो सीजन है वो कैसा रहेगा। उनका यह मानना था कि उनके जो धर्मगुरु थे, तो वो इन आत्माओं से बात करके उनसे ये पूछते थे कि भाई, आने वाला काल हमारे लिए कैसा होगा, कुछ ज़्यादा कठिनाई तो नहीं होगी, या आने वाले जाड़ों का मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा रफ तो नहीं रहेगा हमारे ऊपर। तो उनको ऐसा लगता था कि हमारे प्रीस्ट इस माहौल में हमारा फ्यूचर बहुत बढ़िया तरीके से बता सकते हैं। तो इसी की वजह से ऐसा माना जाता है कि उन लोगों ने एक बहुत बड़ी सी आग जलाई, और उसके आजू बाजू, उसके इर्द गिर्द खड़े रहकर उन्होंने इन आत्माओं से बचने के लिए या उनको थोड़ा सा दूर रखने के लिए, उनके धर्मगुरुओं ने कुछ एनिमल्स की खाल पहन ली या किसी जानवर की खोपड़ी जो है वो ऐसे सिर के ऊपर रख दी। तो कुछ ना कुछ अटपटा सा करके कि उनको, आत्माओं को ऐसा लगे कि ये उनमें से ही कोई एक है, और या तो हम इन्हें डरा नहीं सकते हैं। तो ऐसे कुछ कपड़े पहनकर उन्होंने अपने एक दूसरे का फ्यूचर बताने की कोशिश की थी, और उसके बाद उन्होंने वो जो आग थी वो कुछ देर के लिए बुझा दी थी, फिर से उन्होंने वो प्रज्वलित कर दी। तो उसको वो कहते थे द होली फायर। तो ये थोड़ी सी उसके पीछे की हिस्ट्री थी कि आखिरकार ये सैमहैन जो फेस्टिवल था, ये क्यों वहां पर था, जिसको बाद में हैलोवीन बोला गया। तो अब चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर। तो दोस्तों, अब ये जानते हैं कि ये ट्रिक और ट्रिक का जो चलन था वो कैसे आ गया था, जिसको ट्रिक और ट्रीट बोलते हैं वहां पर। तो ये चलन कैसे आ गया था वहां पर, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो चलन था वो 20वीं सदी में यूएसए में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था, और इसका जो एक्चुअल ओरिजिन है वो हमें मिलता है आयरिश और स्कॉटिश लोगों में। उनके यहाँ पे एक इसको चीज बोली जाती है, वो है ग्वेसिंग। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी एक आदमी थोड़े से ऊट पटांग से कपड़े पहनकर कुछ आपके ऊपर ट्रिक कर देता है, या कोई आपको पोएट्री सुना देता है, या और कुछ एंटरटेनिंग चीज करता है, जिसके बदले में उसे एक फल का टुकड़ा मिलता था। तो ये उनकी जो प्रथा थी उसको उन्होंने कहीं ना कहीं हैलोवीन के साथ जोड़ दिया।
और 1950 के आते आते यूएसए में हेलोवीन के दिन ये करने वाली सबसे पॉपुलर एक्टिविटी बन गई और ये सरकार के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद हुई क्योंकि हर साल आज की डेट में हेलोवीन के दिन 2.5 बिलियन की कैंडी बिकती है, यानी कि 2.5 अरब डॉलर की कैंडी जो है वो अकेले हेलोवीन के दिन बिकती है और ये एक बहुत बड़ा कारोबार है। तो गवर्नमेंट ने भी ये सोचा कि ये बहुत बढ़िया प्रथा है, ये बहुत बढ़िया ट्रेडिशन है जो कि हमारे इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। तो अब आप जान गए होंगे कि हेलोवीन का ओरिजिन कहाँ था, क्यों उसे मनाया जाता है और ये ट्रिक और ट्रीट कहाँ से आया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसमें से कुछ नॉलेज आपने गेन की हो, एंटरटेनिंग लगी हो, तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर लाइक कर दीजिए।